गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थोड़ा स्वागत है साडे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कंपटीशन वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, अज मैं थोड़े वास्ते पटवारी की फस्ट क्लास लैके आया। फस्ट क्लास के अपना टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप। तो इस टॉपिक के जो क्वेश्चन ने मैं 30 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो 30 क्वेश्चन बड़े ही अलग अलग टाइप दिया, 5 टाइप्स जिम्मे कि मैं डेमो क्लास में कहा कि 5 टाइप्स इस टॉपिक बनती हैं। 5 टाइप्स के टाइप वाइज आप क्वेश्चन करांगे। हाँ, सारे क्वेश्चन नहीं करांगे, कुछ क्वेश्चन मैं थोड़े वास्ते छड़ दूंगा, तुसी आप भी प्रैक्टिस करनी है उन्होंने। मैं थोड़ा हरेक टाइप के लिए 5-5 क्वेश्चन लेके आया, तो 2-2, 3-3 कराऊंगा। बाकी 2 क्वेश्चन तुसी स्क्रीनशॉट या इस वीडियो में देख के ऑटोमेटिक आप जाके सॉल्व करना है। हाँ, किसी स्कूल का जो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो सानू कमेंट के आपका क्वेश्चन या साडे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकता है, उसकी प्रॉब्लम उस टाइम सॉल्व कर दी जाएगी। आओ स्टूडेंट्स, टॉपिक शुरू करते हैं पार्टनरशिप। A, B and C started a business by investing rupees 23,000, 81,000, 72,000 at the end of years, एक साल के एंड पे। B share of the total profit was rupees 36,000. What was the total profit? Total profit ये होगा अपना। ये मैं डेमो क्लास में भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो सिंपल देख लो, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, रेशो ही बनानी है इन्हों की। आप सब तो पहले लिखेंगे A रेशो B रेशो C, A रेशो B रेशो C। तो A B अते C ने 27,000, 81,000 ते 72,000 रुपए लगाए। जिन्ने जिन्ने रुपये जिन्हें लगाए है उन्ने उन्ने रुपये आप नीचे लिख देंगे। A ने जो 27,000 लगाया तो आप की लिखता 27,000। B ने किन्ना लगाया 81,000, B थले आप लिखता 81,000 एंड C ने मेरे लगाए रुपये 72,000, तो C का मैं की लिखता 72,000। मैं गल पहले भी दसी सी पार्टनरशिप के कंसैप्ट की होंगे है, जेड़ा परसन जिन्ने रुपये लेके आऊगा उन्हें प्रॉफिट उनके रुपया के हिसाब न रुपया की रेशो के हिसाब में मिलेगा। तो इन्हें रेशो बना लेते हैं, पहले इन हल्का कर दें थोड़ा जहा। हल्का मीनस जी कटिंग होंगी आप कर लेंगे इतने। देखो मैंने 3 0 3 अच दिख रही हैं, 3 0 मैं कैंसल कर दूंगा। 3 कि पार्ट से कैंसल हो रहा है? 9 के टेबल से, व्डे तो व्डा टेबल पढ़िया करो। 9 का टेबल, 9 3 27, 9 9 81, 9 8 72, तिना का प्रॉफिट इस रेशो में वंटा जाऊगा, क्योंकि हूँ अगर रेशो कटिंग नहीं पी, कैंसल नहीं हो रही मेरी। तो मैं कि हिस्सा दिता हुआ है, मैं हिस्सा दिता हुआ है बी का हिस्सा। यदा मतलब जो बी का हिस्सा दिता हुआ है तो टोटल प्रॉफिट मेरे तो पूछा हुआ है। मेरा बी का हिस्सा कहना 36,000, तो 36,000 डिवाइड कि करूँगा जोड़ी बी की रेशो है। इतने मैं टोटल दिता हूँ मैं टोटल नाल डिवाइड करता, ए का हिस्सा दिता हूँ मैं थेरी नाल डिवाइड करता, बी का हिस्सा सी का हिस्सा दिता हूँ मैं एट नाल डिवाइड करता। बट मैंने हिस्सा किता दिता हुआ, हिस्सा दिता हुआ बी का, इस करके बी की रेशो कि 9 नाल मैं डिवाइड कर दूंगा। तो 9 से 36,000 कैंसल करूँगा, कि आ जाऊगा मेरा 4,000। मीनस एक यूनिट की वैल्यू मेरी कि आ गई 4,000। जे मेरे एक यूनिट की वैल्यू 4,000 है तो कटनी मैं कि है कटना मैं कुल्ला, कुल्ला मीनस टोटल, टोटल कि बनता मेरा 9, 8, 17, 3, 21। यदा मतलब जो मेरा आंसर आऊगा वह आऊगा 4,000, एक यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट कि हो रहा है 8, 9, 17, 8, 9, 17, 17, 3, 20 बनूगा 9, 8, 17, 17, 3, 20। तो 20 आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 4, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 4, 0 आप अटैच कर देंगे, 80,000 टोटल प्रॉफिट मेरा कितना होगा 80,000। आंसर इज सी। हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुम यदा कि थोड़ा बाद दे विच प्रॉब्लम ना आवे। नैक्सट क्वेश्चन उस ही टाइप का क्वेश्चन है। ए बी एंड सी इनवेस्ट इन रेशो 5:7:6। नैक्सट ईयर दे इनक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट्स बाय 26%, 20% एंड 15%। द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग सेकंड ईयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो। सेकंड ईयर की रेशो दसनी है अपना भी सैकंड ईयर वो किहड़ी रेशो दे विच प्रॉफिट वंडन गए। सिंपल फस्ट टाइप का ही क्वेश्चन है मेरा। जो भी परसेंटेज की गल करूगा तो आपसेंटेज आप फिर परसेंटेज आप करा, देखो सब तो पहला देख लो ए रेशो बी रेशो सी, ए नू किन्ने मिल रहे हैं 5, बी नू 7, सी नू 6, ए नू 5, बी नू 7, सी नू 6।
ਗੁਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 26% ਹੋਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਪਿਛਲੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ 20% ਹੋਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ 15% ਹੋਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨਿੰਗ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੰਡਣਗੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 5-7-6 ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ 500, 700 ਤੇ 600 ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਰਹੂਗੀ ਬਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 500 ਦਾ 26% ਮੀਨਸ ਵਧਾ ਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 500 ਦਾ 26% ਕੱਢਾਂਗੇ 26% ਮੀਨਸ ਦੋ ਦੋ ਜੀਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 100 ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ 500 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 26% ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਤੇ 30 130 ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ 130 700 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ 20% 700 ਦਾ 20% ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ 10% ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੋਰੀ 10% 70 ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 20% ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 140 ਇਹ ਬੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੇਮ ਸੀ ਕੀ ਹੈਗਾ 15% ਕਿਹਦਾ 600 ਦਾ 600 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 15% ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ 90 ਰੁਪੀਸ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਸਿਰਫ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਊਗੀ 130 140 90 130 140 90 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 630 ਇਹਦੇ 840 ਤੇ ਇਹਦੇ 690 ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਰੁਪਈਏ ਮਿਲਣੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਆਊਗਾ 0-0 ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਤਾਂ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ 21 ਇੱਥੇ 28 ਇੱਥੇ 23 ਆਹ ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਜੂਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਰੁਪਈਏ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਬਣਨਗੇ 21:28:23 ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਏ ਬੀ ਤੇ ਸੀ 5-7-6 ਦਿਨ 5 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੇ 5-7-6 ਦਿਨ 5 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 500-700-600 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 500 ਦਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਸੀਗਾ 26% 500 ਦਾ 26% ਹੁੰਦਾ 130 500 ਦੇ 130 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 630 700 ਦਾ 20% ਹੁੰਦਾ 140 740 ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 840 600 ਦਾ 15% ਹੁੰਦਾ 90 600 ਤੇ 90 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 690 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ ਓਕੇ ਅਗਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਪ 1 ਹੀ ਹੈ JKNL start a partnership. They invest rupees 70,000, 80,000, 1,40,000, 2,10,000, 70,000, 1,40,000. They started in the partnership for 4 years, 6 years, 5 years. If J shares in the profit is rupees 4,000, then what is the sum of share of KNL in the profit? Friends, kar loge tusi sawal nu changi tarah note kar lo. ਸਿੰਪਲ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਏ ਹੈ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 70,000 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਏ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਆ 4 ਈਅਰਸ 4 ਰੇਸ਼ੋ ਬੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 210 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਬੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਚੱਲੇ ਆ 6 ਸਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 6 ਤੇ ਤੇਰਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 140
मल्टीप्लाइड 5। सेम पिछले दो सवालों तरह इस सवाल में की करो, यदि रेशो बनाए हुए थे, रेशो बनाओ तो बाद आ देखो चार जीरो इधर भी है मेरे को, 4 जीरो इधर भी ने, 4 जीरो इधर भी ने, ठीक कुछ कैंसिल हो रहा मेरा हो, 7 21 14 7 टेबल थे और 7 और 21 गया 3 थे और 14 गया 2 थे, हम कुछ नहीं कैंसिल हो रहा अजय भी हो रहा है, और 2 गया और कितना आ गया 3 आ गया और कितना आ गया 2 आ गया, मीन्स रेशो की बनी 2:9:5 सवाल की करना उस तो बाद जे का हिस्सा 4000 है, जे का हिस्सा 4000 है तो जे की कर देंगे 4000 ऐड कर देंगे, एक दे वैल्यू आ जाएगी, पूछा कि था के ते एल दा, के ते एल नु ऐड करेंगे 14 14 28 28000 रुपया प्रॉफिट आ जाएगा, ए ऑप्शन देखो नॉन 40000 होना चाहिए उसे, 9 हिस्सा जे का है, जे की रेशो कितनी है अपने को 2 आई है, जे की हिस्सो रेशो 2 आई है तो 4000 बाय 2 करांगे तो अपने को आ जाऊगा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2000, जे 2000 1 यूनिट की वैल्यू है तो अपन कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए है, के ते एल का हिस्सा, के ते एल का जोड़ की है तो सिर्फ अपन के ते एल नु जोड़ लांगे 9 ते 5 14 अपन नु 14 यूनिट की वैल्यू चाहिए है, 14 गुना अपन की करांगे 2000 28 तो 28000 आ जाऊगा आंसर आ जाऊगा अपने को ऑप्शन ए, इतने एक जीरो ज्यादा लगी हुई है एस जीरो नो कटो 28000 आएगा 28000। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐ तो थोड़ी जी टाइप चेंज होती है, अगले टाइप के क्वेश्चन आ गए, इन टाइप 2 लिखो, टाइप 2 पहली टाइप बिल्कुल आसान टाइप सी, बिल्कुल इजी टाइप सी, पहली टाइप दे विच पैसे दिंदा सीगा, रेशो च आपां वंडदे नहीं हुंदे सी, पर एदे विच तुहानूं रुपये नहीं दित्ते होए, ध्यान नाल देखो एदे विच तुहानूं की क्या होया, ए बी सी टुगेदर स्टार्ट ए बिजनेस, ए बी सी रल के एक बिजनेस स्टार्ट करदे आ, बी इनवेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल, बी ने कैपिटल दा 1/6 हिस्सा इनवेस्ट कीता, वाई इनवेस्टमेंट ऑफ ए एंड सी आर इक्वल, ए ते सी दी इनवेस्टमेंट किन्नी है इक्वल है, बी किसी भी कैपिटल का 6वां हिस्सा इनवेस्ट कर गया, ते ए ते सी ने बराबर बराबर इनवेस्ट किए हैं, ते तिन्ना दा जिहड़ा प्रॉफिट है वह साल तो बाद कितना है 33600, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ बी एंड सी, बी ते सी दे लाभ दे विच कितना अंतर है आपां दसना है, तो सब तो पहला आपां नूं रेशो बनाउणी पवेगी, इत्थे आपां रेशो दित्ती नहीं हुई तो आपां की करांगे, सब तो पहले लिख लांगे ए बी एंड सी रेशो पाओ, इत्थे विच ए बी एंड सी, हुण ध्यान नाल देखो उन्हें क्या होया, बी ए बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट ए बिजनेस, ए ते बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, बी ने इनवेस्ट किए 1/6, जे टोटल 6 रुपये सी तो बी किन्ने रुपये लैके आया 1 रुपया, तो बाकी जिहड़े रुपये बच गए वह कौन कौन लैके आए, बराबर बराबर लैके आए, देखो ध्यान नाल, जे अपने को सब तो पहला बी 6 रुपया दे विच्चों 1 रुपया लैके आया, यह मतलब है 6 रुपया चो जो 1 रुपया बी लैके आया तो बाकी किन्ने रुपये बचते हैं 5 रुपये, वह 5 रुपये कौन लैके आए, ए ते सी बराबर बराबर, मीन ए भी 2.5 लैके आया, बी भी 2.5 लैके आया, पर 2.5 जो करोगे तो थोड़ा उत्थे कैलकुलेशन ज्यादा करनी पेगी, इस करके एवं ना करके मैं देखो ध्यान नाल 1/6 नूं की 2/12 लिख सकता, लिख सकता जी 6 चो 1 है तो 12 चो कितना हो जाऊगा 2 हो जाऊगा, तो उहदे नाल मेरा उत्थे प्रॉब्लम नहीं आनी, जे मैं 6 चो 1 लैके चलदा तो 1 रुपया इहदा आना सीगा, बाकी बचे 5 रुपये, 5 रुपये बचे तो इहदे भी 2.5 रुपये आने सीगे, इहदे भी 2.5 रुपये आने सीगे, ठीक फिर मैनूं पॉइंट सॉल्व करना पैना सी, अगे फिर होर जाना पैना सीगा, इस करके मेरी रेशो विच कोई फर्क नहीं पैना, भावें मैं 6 रुपये मन्ना ते भावें मैं 12 रुपये मन्ना, इस करके तुसीं की करो इन्ना औखा करने की लड़ है नहीं, आप सवाल में सौखा करा
तो देखो जे छे चो एक रुपया भी लैके आया, जे मैं एक कहा भी बारह के दो रुपये लैके आया, फिर भी उही गल है। बारह के जे दो रुपये लैके आया, एक वटा छे दो वटा बारह एक गल होंगी है, कैंसल करोंगे भी अपना एक वटा छे दोबारा तो आ जाऊगा। जे बारह रुपये टोटल से तो दो रुपये कौन लैके आया, भी लैके आया, बाकी किन्ने रुपये बचे, दस रुपये। जे दस रुपये बचे तो ऑटोमैटिक दोनों बराबर लैके आए हैं, जो दोनों बराबर लैके आए तो किन्ने किन्ने रुपये लैके आएंगे, पांच पांच रुपये, मतलब मैं बारह रुपये टोटल मन्ने। जे मेरे टोटल बारह रुपये से तो वो दो रुपये भी लैके आया से, जो दो रुपये भी लैके आया से तो बाकी बचे दस रुपये। क्या होया कि ए ते सी की लैके आए ने, एक लैके आए ने, जे ए ते सी बराबर लैके आए ने तो पांच रुपये ए लैके आया, पांच रुपये ही सी लैके आया, ये मेरे को रेशो आ गई। उस तो बाद एनुअल प्रॉफिट दिता हुआ मैं तीन हज़ार ला के, ए सी का निवेश बराबर होंगे, जेकर सालाना लाभ 33,600, उन्होंने साल बाद जो 33,600 रुपया प्रॉफिट होंगे तो 33,600 मेरे को वैल्यू है। सेम फिर तो पिछले क्वेश्चन तरह क्वेश्चन बन गया अपने को, 33,600 रुपया वैल्यू हैगी मेरे को तिना की, तिना की मीनस पांच पांच दस से दो बारह, बारह की वैल्यू कि हैगी 33,600। इन सॉल्व करो 33,600 बारह के टेबल पर जाऊगा, ये सीधा बारह के टेबल पर कैंसल करो, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी थोड़े को, बारह दुना चौबी किन्ने बच गए अपने को, छे तीन नौ बारह अठ छियानवे 2800, एक यूनिट की वैल्यू किन्नी आ गई 2800। हूँ अपन पूछा कि होया बी ते सी दे मुनाफिया विच अंतर किन्ना है, डिफरेंस किन्ना है, थोनों अलग अलग बी ते सी दी कढ़न की लोड़ है नहीं गी, सिर्फ बी ते सी दे विच अंतर देखो किन्ने यूनिट का है, अंतर हैगा तीन यूनिट का, एदा मतलब रुपया विच भी तीन यूनिट का फर्क होगा। जे एक यूनिट की वैल्यू साढ़े को 2800 है तो तीन यूनिट की वैल्यू तुम कढ़ दौ 2800 मल्टीप्लाई 300 24 का 4 हंसल आए 2 मेरे 3 तो 6 ते 2 8 ਇਹਦਾ मतलब बी ते सी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ बी ते सी सी ते बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 8400 ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰੀ A। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈ, टाइप टू शुरू हो गई अपने इतों। इस टाइप चेंज सिर्फ इन्ना है कि उपर थोनू फ्रैक्शन वैल्यू के रुपये देगा कैपिटल दे, कहने का मतलब भी एक बटा छे लैके आया सी तो ए कि रुपये लैके आए से, आप क्या एक बटा छे, आप दो बटा बारह क्यों किया, क्योंकि दो बटा बारह क्यों किया, इस क्लीयर किया क्योंकि अपने को बाकी रुपये पांच बचते सी, पांच का अद्धा अद्धा ढाई ढाई करके अपन इतने प्रॉब्लम आनी सी, फिर अपन होर अगे सॉल्व करना पैना सी, इस करके आप किन्ने रुपये ले ले बारह रुपये ले ले, बारह चो दो रुपये भी लिया से बाकी दस रुपये ए ते सी लिया से, दस का मतलब बराबर लिया, पांच पांच लिया से ऑटोमैटिक पांच।